लेसन नंबर 8 पार्ट 3 आज मैं बता रहा हूँ नॉन पोलर कैपेसिटर और पोलर कैपेसिटर। ठीक है, पोलर कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, आपको पोलैरिटी देख के डालना होता है। नॉन पोलर में कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी वाले कैपेसिटर को हम नॉन पोलर कैसे बनाएंगे वो भी आज आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगा। अभी पोलैरिटी मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा अपने अंदर, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ माइनस दे दूं और यहाँ प्लस दे दूं तो ये फट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने उल्टा दिया है। इसका जो प्लस है वहां पे माइनस दे दिया, जहां पर प्लस है वहां माइनस। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया है, ये चल नहीं सकता, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, और दूसरा है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है, अभी जैसे ये है, जैसे पीएफ नॉन पोलर होता है। ओके, और कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक में भी नॉन पोलर आते हैं जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है। आप जो लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी आपको डायरेक्शन जो ग्राउंड का देते हैं वो नहीं होगा। वो कैसी होती है, इसमें कोई भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पर आप प्लस, यहाँ माइनस, या इधर प्लस और इधर माइनस, कुछ भी दे सकते, ये पोलैरिटी डिपेंडेंट नहीं होते। ओके, तो हम पोलैरिटी वाले कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको नॉन पोलर कैसे बनाएंगे, अब उस चीज पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास, सबसे पहले तो आपको सीरीज पैरेलल का मैंने वीडियो जो बनाया हुआ है वो देख लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेशन होती है और पैरेलल के लिए कैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरीज में बना रहा हूँ, तो सीरीज का कैलकुलेशन आपको आई बटन में दिख जाएगा। आप मेरा कैपेसिटर का हाउ टू फाइंड वैल्यू उसमें जाके चेक कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये दो फिल्टर्स, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, ये 2.2 माइक्रोफेरेड का है लेकिन पोलैरिटी वाला है, इसको मैं उल्टा नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन मेरे को 2.2 माइक्रोफेरेड का नॉन पोलर बनाना होगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं ले लूंगा 4.7। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं देख लो, मैं प्लस वाला जो इलाका है वो ऐसे करके रख रहा हूं। ठीक है, और दूसरे वाले का प्लस वाला ही लूंगा। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, दोनों के प्लस प्लस या माइनस माइनस को सॉर्ट कर दो, या दोनों के माइनस माइनस को सॉर्ट कर दो जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये सीरीज में बना दिया मैंने, प्लस है, ठीक है, और ये भी प्लस है नीचे वाला। ठीक है, और दोनों माइनस को मैंने आपस में जोड़ दिया है। ये दोनों मैंने लिए हैं 4.7 माइक्रोफेरेड के। ठीक है, 4.7 माइक्रोफेरेड सीरीज में वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है, दो फिल्टर लिए हैं तो डिवाइड बाय 2 करना है आपको। तो ये क्या वैल्यू होगी, 2 2 4, 2 3 6, 2.3 माइक्रोफेरेड, बट नाउ इट इज नॉन पोलर। ओके, कैसे, मैंने माइनस माइनस सॉर्ट कर दिए, प्लस प्लस टर्मिनल, मेरे दो पोलरी दो टर्मिनल्स हो गया। यहां पर अभी मैं उदाहरण के लिए 2.2 माइक्रोफेरेड ले रहा हूं, दोनों 2.2 माइक्रोफेरेड के हैं। ओके, और इससे जो वैल्यू बनेगी वो है 1.1 माइक्रोफेरेड। ओके, इसे हम सर्किट पे यूज करके भी देखेंगे क्या ये फट जाता है, और मीटर पे चेक करेंगे क्या ये 1.1 माइक्रोफेरेड बताता है। ठीक है, ये दोनों चीज हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। मैंने थ्योरी में तो बता दिया था, प्रैक्टिकली अब बता रहा हूँ। यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर जो मैंने रखा हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड के दो रखे हैं, तो 0.47 माइक्रोफेरेड ये बना। ठीक है, दोनों 1 माइक्रोफेरेड के रखे हैं। इसमें मैंने किस तरह से एनपी बनाया, नॉन पोलर पोलैरिटी वाले हैं, देख सकते हैं आप, ये माइनस और ये वाला इलाका प्लस होता है, तो मैंने माइनस माइनस सॉर्ट करके, ठीक है, दो फिल्टर को जॉइंट कर दिया है, और प्लस वाले छेड़े में यहाँ पर कहीं भी लगा दूंगा और चेक करूंगा क्या ये फटता है कि नहीं। ये रियलिटी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि ये बोर्ड पे हमने जो एनपी नॉन पोलर बनाया है 0.47 माइक्रोफेरेड का, वो काम करता है कि नहीं। ठीक है, अभी हमने फिल्टर लगा दिया, वोल्टेज पे इसकी इफेक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी 130 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है 12.3 वोल्ट इनपुट पर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने एनपी यूज किया हुआ है नॉन पोलर कैपेसिटर, यहाँ पर उस पर वोल्टेज कितना बता रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज तो 17.7 वोल्ट बता ही रहा है, और इसे थोड़ी देर हम चला के देख भी लेंगे, ये कुछ गर्म तो नहीं हो रहा है। उल्टा सीधा कुछ भी लगा सकते हैं इसको, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, ये अब यूनिडायरेक्शनल हो गया है। तो ये अभी क्लियर हो गया है कि 17 वोल्ट ये ड्रॉप नहीं कर रहा है और ना ही ये गर्म हो रहा है। ठीक है, ना ही ये फटेगा क्योंकि हमने इसको नॉन पोलर बना दिया है। अब हम उल्टी दिशा में भी आपको करके बता देते हैं, ये मैं पावर सप्लाई ऑफ कर रहा हूँ, उल्टा लगा देता हूँ अभी इसको। माइक्रोफेरेड के होते हैं फिल्टर अंदर, हम 10 माइक्रोफेरेड के लिए क्या करेंगे, 22 माइक्रोफेरेड के दो ले लेंगे। ठीक है, अगर जो आपको पीएफ नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि नॉन पोलर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना के 22 माइक्रोफेरेड के दो सीरीज में लगाकर आप यहां रख सकते हैं। तो अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये हमने अभी रिवर्स में डाला है, यहां आप देख सकते हैं अभी भी ये 130 मिली एम्पियर करंट ही ले रहा है। और अब हम चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज आउटपुट 17 वोल्ट जो है 17.7 वोल्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी लोडिंग नहीं है, ना ही ये कैपेसिटर गर्म हो रहा है। ठीक है, कि ये काम करता है, नॉन पोलर कैपेसिटर हमने बना लिया है पोलारिटी वाले कैपेसिटर को लेकर, सो इट्स वर्किंग। पीएफ करने के बाद आपको रियल वैल्यू दबानी होती है। यहाँ पर हमने जो दो नॉन पोलर के लिए फिल्टर लिए थे वो थे 1 माइक्रोफेरेड के, मैं बता भी देता हूँ ये 1 माइक्रोफेरेड है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं 0.99 मतलब 1 माइक्रोफेरेड, ओके। और ये दूसरी तरफ भी ठीक है 1 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों को हमने सीरीज में बनाया तो ये 1 का आधा हो जाएगा, 0.5 माइक्रोफेरेड होना चाहिए। यहाँ चेक कर लेते हैं कितना बता रहा है, तो यहाँ बता रहा है 498 नैनोफेरेड, ओके। सो इट इज इक्वल एंड टू 0.498 माइक्रोफेरेड, ओके। आप नैनोफेरेड को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर दो तो ये माइक्रोफेरेड हो जाएगा, तो ये हो गया 0.49 माइक्रोफेरेड, ओके। तो ये था टॉपिक हमने जिसमें बताया आपको कि हम कोई भी पोलारिटी वाले कैपेसिटर को नॉन पोलार बना सकते हैं।